कैसी लग रही है आपको मेरी ये साबूदाने की खीर? लग रही है ना ये बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए एक एक दाना कितने अच्छे से फूला है साबूदाने का, एक भी दाना बीच में से कच्चा नहीं है, सारे दाने अच्छे से फूले हैं, अच्छे से पके हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये खीर मैंने कैसे बनाई है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कढ़ाई। साबूदाने की खीर अक्सर हम व्रत में या फास्ट में बनाते हैं, जैसे कि नवरात्र का व्रत हो या शिवरात्रि हो। आपने देखा कि मेरी साबूदाने की खीर कितनी क्रीमी बनी है, गाढ़ी गाढ़ी बनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही आसान तरीका, जिससे कि आपकी साबूदाने की खीर बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, एक एक दाना अच्छे से पकेगा, बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। तो आइए देखिए कैसे बनेगी साबूदाने की खीर। रेसिपी देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हेल्दी कढ़ाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साबूदाना की खीर बनाने के लिए हम लेंगे आधा कटोरी साबूदाना, ये 80 ग्राम साबूदाना है। साबूदाना की खीर बहुत अच्छी बने इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप साबूदाना किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये कितना मोटा मोटा साबूदाना है। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप साबूदाना लेंगे उतनी ही अच्छी आपकी खीर बनेगी। खीर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि साबूदाने को हमें अच्छे से धोना है। इसके लिए हम इस तरीके से एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर साबूदाने को ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे खूब सारा पानी। अब हमें साबूदाने को अच्छे से मसलना है। इस तरीके से आप साबूदाने को मसलिए। साबूदाना बहुत स्टार्ची होता है और इसके ऊपर एक वाइट कलर की पाउडर जैसी कोटिंग होती है, तो उस कोटिंग को हमें रिमूव करना है। जितने अच्छे से साबूदाना वॉश होगा उतनी अच्छी खीर बनेगी, उतनी ही अच्छी आपकी खिचड़ी बनेगी, वो चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कि ये पानी थोड़ा वाइट हो गया है, ये मिल्की सा पानी हो गया है। इस पानी को अब हमें फेंक देना है, फिर से हम और पानी डालेंगे और साबूदाने को ऐसे ही 2 से 3 बार धोएंगे जब तक कि पानी हमारा क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने साबूदाने को 3 से 4 बार धो लिया है और उसके बाद हमारा पानी बिल्कुल साफ है। अब हमें साबूदाने को कम से कम आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा फूल जाए। आधा घंटा हो चुका है और साबूदाना हमारा अच्छे से भीग चुका है। हम जो ये एक्स्ट्रा पानी है इसको हम फेंक देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि साबूदाना फूल गया है, अगर आप साबूदाने के पीस को प्रेस करके देखेंगे। देखिए अब ये प्रेस हो रहा है। साबूदाने की खीर हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आप प्रेशर कुकर की जगह एक हैवी वेट कढ़ाई भी ले सकते हैं जिसका बेस हैवी हो, जिससे कि खीर अच्छे से पक जाए, वो चिपके नहीं और उसमें से खीर उबलेगी भी नहीं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर हमें साबूदाने को स्टीम करना है। जनरली साबूदाने को हम दूध में डायरेक्टली डाल देते हैं, लेकिन उससे कभी कभार होता यह है कि साबूदाना ऊपर से तो फूल जाता है लेकिन बीच में थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रेशर कुकर में आप थोड़ा सा स्टीम कर दीजिए इसको। प्रेशर कुक करने से साबूदाना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा और उसके बाद हम इसको दूध में मिलाएंगे। जब प्रेशर कुकर में से प्रेशर निकल जाए उसके बाद ही आप उसका ढक्कन खोलें। ये देखिए साबूदाना अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। हम डालेंगे 1/2 लीटर दूध। तो ये मैं कच्चा दूध ही डाल रही हूँ, दूध को आप उबालिए नहीं, कच्चा दूध ही डायरेक्टली कुकर के अंदर डाल दीजिए। फ्लेम हमने ऑन कर दी है। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि साबूदाना दूध के साथ अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध में थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम दूध को और साबूदाने को अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। ध्यान रखिएगा कि करछी को आप कुकर में ही रखिए, इससे दूध उबलेगा नहीं, बाहर नहीं आएगा। और इसे हिलाते रहिए जिससे कि खीर लगे नहीं। जो साइड में ये मलाई फॉर्म हो रही है इसको भी आप करछी की मदद से ऐसे स्क्रैप करते रहिए। अभी मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट ही हुए हैं
और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि साबूदाना ऑलरेडी हमारा फूलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमने इसको पहले स्टीम कर दिया था इसलिए ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। इसका मतलब है कि साबूदाना अच्छे से पक गया है, ये बिल्कुल कच्चा नहीं है। 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दूध बहुत तेज़ी से उबल रहा है। करछी को आप साथ साथ में हिलाते रहिए, नहीं तो दूध के ऊपर मलाई बन जाएगी। अभी हम इसको और पकाएंगे जिससे कि दूध और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए बीच में दूध इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यूसली करछी से इसको हिलाते रहना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और दूध ये देखिए हमारा थिक हो गया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, ये क्रीमिश सा हो गया है। इस स्टेज के ऊपर हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी, ये देसी खांड है जिसे बूरा भी कहते हैं। मैं ये 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ आधा लीटर दूध में। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो दूध थोड़ा सा पतला होगा, तो इसे अभी हम और पकाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि खीर हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। तो टोटल मुझे लगे हैं 20 से 25 मिनट इस कंसिस्टेंसी पे लाने के लिए। अगर आपको खीर गर्म ही खानी है तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप खीर ठंडी खाना चाहें तो 5 मिनट पहले बंद कर देंगे फ्लेम को, जिससे कि आप जब फ्रिज में रखें तो खीर और ज़्यादा गाढ़ी होगी। मैंने इसके अंदर केसर या ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। अगर आपके पास केसर है तो गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा केसर मिला के इसके अंदर आप डाल सकते हैं, जिससे कि कलर और ज़्यादा अच्छा है। और ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे सर्विंग के टाइम पे। इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी साबूदाने की खीर तैयार है। हम इसको गार्निश करेंगे कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से। मैंने बादाम, पिस्ता, काजू सभी को थोड़ा चॉप कर लिया है और साथ ही में मैं डाल दूंगी कुछ ड्राइड रोज़ पेटल्स। और बस हमारी साबूदाने की एकदम टेस्टी बहुत ही मज़ेदार खीर बिल्कुल तैयार है। तो मैं तो अपनी साबूदाने की खीर खा रही हूँ, टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी है, इतनी क्रीमी बनी है ये खीर कि आप एक बार इस खीर को खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगली बार आप जब भी साबूदाने की खीर बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, आपको ये खीर बहुत टेस्टी लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हेल्दी कढ़ाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड स्टे हेल्दी।